भारत माता की। आज के इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष सम्मानीय मनमोहन सामल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रपाड़ा से हमारे प्रत्याशी वरिष्ठ नेता सम्मानीय बैजयंत जय पांडा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके प्रिय डॉक्टर प्रदीप पानीगढ़ी जी, विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और हमारे साथी मनोरंजन दयाल सामंत्री जी, विधायक के प्रत्याशी के अनिल कुमार जी, हमारे प्रत्याशी कृष्णा नायक जी, विभूति जैना जी, के नारायण जी, हमारे सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो मैं यहां जब आया हूं उड़ीसा की धरती पर, तो सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ को नमन करता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जय जगन्नाथ। मित्रों, आज 28 तारीख है और मधुब बाबू की जैन जयंती है। मधु बाबू जिन्होंने उड़ीसा को बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान किया, ऐसे हमारे मधु बाबू के जन्म जयंती पर मैं उनको भी नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेता हूं। मैं जब यहां आया हूं तो मैं जरूर कृष्णचंद गजपति जी का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जो उन्होंने, जिनकी जन्म जयंती दो दिन पहले थी 26 तारीख को, और जो बहुत ही जाने हुए स्वतंत्रता सेनानी हुए और जिन्होंने उड़ीसा राज्य बनाने में अपना योगदान किया, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, ये चुनावी सभा है और इस सभा में जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, ऊर्जा देख रहा हूं, खुशी देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वो मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने डॉक्टर प्रदीप पानीग्रही और सभी हमारे पांचों विधायकों को चुनाव जिताने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको मैं विशेष करके ध्यान देता हूं। मित्रों, ये चुनाव का माहौल है। हमारे अभी मनमोहन सामल जी, जो मैं उड़िया समझ सका, वो कह रहे थे कि सरकार बदलनी है, वो कह रहे थे कि उड़ीसा में सरकार को बदलना है। और मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो विकास मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं, उसका सही रूप में रूपांतर करने के लिए यहां प्रदेश में भी कमल खिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति को, तौर तरीके को, रंग ढंग को और जिसे हम कहें परिभाषा को, सब कुछ बदल दिया। भारत में राजनीति आज से 10 साल पहले कैसी थी? आदमी इस मानसिकता का हो चुका था कि इस देश में कुछ नहीं बदलेगा, सब ऐसे ही चलेगा,
यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेंगे, राजनीति भ्रष्टाचारियों के हाथ में ही रहेगी। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।